दूध गिर गया, अगर सासू माँ को पता चलेगा तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। तो आप क्या करें? क्या करें का क्या मतलब? जाओ जाकर और दूध लेकर आओ। जी दीदी। मम्मी मम्मी भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। अरे मेरा रेड क्या ही करेगा, समोसा खाएगा, पिज्जा खाएगा के बर्गर खाएगा। मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल हट, तू तो अपने पापा पर गया है, बेलन खाएगा। आ तो जी उसे खिलाकर लाती हूँ। ले आई दू जी दीदी, फ्रिज में भी रख दिया। करण क्या उसे मेरी माँ करेगी? तुम सुबह सुबह उठ के उसे क्या कहती हो? जय जय उसे क्या कहती है? जैसमिन। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? दीदी आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, जैन धर्म में पैदा हुई हैं, आपको जैसमिन का मतलब नहीं पता? हाँ हाँ मुझे सब पता है, तू अपने उपदेश मत दे। अब कहाँ चली? मंदिर जा रही हूँ। राज मंदिर? कौन सी मूवी लगी है? लेकिन उसमें तो अभी टाइम है। मैं राज मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं जिन मंदिर जा रही हूँ उसमें कोई टाइम नहीं होता, जब मन चाहे तब चले जाओ। हाँ हाँ मैं तो चली ब्यूटी पार्लर। ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है, दहेज भी इतना कम लाई है और ऊपर से दिन भर देखो तो पूजा भी भागती स्तुति। इसे तो अपने काम से इतनी चुराना है, बेचारे देवर जी की तो लाइफ खराब हो रखी है। अरे सुबह सुबह किसे याद कर रही हूँ? भाई अपनी आज अब क्या कर दिया उसने, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। लो आप मेरा भी थोड़े आ जाओ। दीमा जी जरा एक कप चाय तो लाना। दाइमा जी ये क्या सिर्फ चाय लाई और नाश्ता कौन लाएगा, वो मैं होटल से मंगाऊं? हाँ जी आपने तो सिर्फ चाय मांगी थी, चाय मंगाई थी तो सिर्फ चाय लाओगे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि चाय के साथ नाश्ता भी लाया जाता है? माँ जी आप हर बार मेरे घर वालों के ऊपर क्यों चली जाती है? क्या मैं उनके नाम कोई माला चप्पू? वैसे भी उनने कोई महान काम किया नहीं है, एक तो दहेज भी नहीं दिया, ऊपर से इस घर पर बोझ बनकर बैठी हूँ। तुमने तो मेरा सर ही खराब कर दिया। बाओ मेरा सर दबाओ। मम्मी मम्मी दादी दादी, अरे अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? थाली में कॉकरोच गिर गया। तू क्या हुआ, खाने के में से कॉकरोच को निकाल के खाना खा लो, वैसे भी खाना बर्बाद होएगा नहीं और इस घर में कोई दूसरा खाना बनाएगा नहीं, तो इसी को खा लो। नहीं नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये मांसाहारी है। तुम्हें कब से पता चलने लगा कि मांसाहारी क्या है और शाकाहारी क्या है? नहीं नहीं दादी मैं भी नहीं खाऊंगी, मांसाहारी है। दादी दादी मैं भी नहीं खाऊंगा ये मांसाहारी। दादी मैं भी खाऊंगी ये मांसाहारी जैसा है। हाँ माँ जी ये साइंस ने भी कहा है कि हमें रात को खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर हम रात को खाना खाएं तो हमें अनेक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। मैंने एक दिन मछली ली थी, बाहर पंडित जी बता रहे थे कि हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अच्छा इसका मतलब हमारी छोटी बहू आस्था सही कह रही थी, पर हमने उसकी एक ना सुनी, उसे कहने ताने दिए और उसके बारे में कितना भला बुरा कहा और उसके परिवार के बारे में कितना भला बुरा कहा और थोड़ा उससे दहेज की मांग भी की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी गलती का बहुत अफसोस है कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो क्या करेगा? क्या करेगा क्या मतलब, हम जाएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे।
ओ देर बात की चलो। बहू ओ बहू। जी माँ जी, कुछ काम था क्या? मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे बारे में कितना भला बुरा कहा और तुम्हारे परिवार के बारे में कितना भला बुरा कहा और तुमसे दहेज की मांग भी की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें क्षमा कर दो बहू, हमें क्षमा कर दो। हाँ मुझे भी क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत टोका और बहुत डांटा भी, मुझे माफ कर दो आस्था। हाँ आस्था मुझे भी क्षमा कर दो, मैंने तुमसे दहेज की मांग की और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दो आस्था। आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, मैं कौन होती हूँ आपको क्षमा करने वाली? अगर आपको अपनी गलतियों पर इतना ही अफसोस है तो आप भी उन नियमों का पालन करें जो मैं करती हूँ। हम मनुष्य गति में बड़ी दुर्लभता से आए हैं, ऊपर से हमारे महान पुण्य का उदय हमें उच्च वा श्रावक पर्याय के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आपको श्रावकों के नियमों के पालन के बारे में तो पता ही नहीं होगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। महावीर भगवान कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान कर पानी नित्य जना ले जाएगा। हम सभी को श्रावकों के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हम सब छान कर पानी और नित्य देव दर्शन करें और आप सबसे भी निवेदन है कि छान कर पानी और नित्य देव दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करें। हम आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम छान कर पानी और नित्य देव दर्शन करें। जय जवान। आप सबने हमारा नाटक तो देख लिया, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि छोटी बहू कैसी, मतलब बहू कैसी होना चाहिए? हमारी बोली हमारी क्षमता है खराब, तुम समझे नहीं जनाब, ये पहचान हमारी है। तुम समझे नहीं जनाब, ये पहचान हमारी है। संस्कार संस्कृति का निशान है हमारी, संस्कार संस्कृति का निशान है हमारी। अरे अरे अरे, अब तो अपनी पहचान रखो, इंडिया नहीं भारत बोलो। तुम पर कुछ पीढ़ियां इतराएंगी, कुछ साहिरी सब कहलाती नजर आएंगी, पर हम पर राज करेंगी, हमारी भाभी पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी। अपनी माटी अपना देश एक बार इंडिया, तुम भी भारत बोलकर देखो, इंडिया नहीं भारत बोलो। अच्छी बात।